हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना और आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ जिलेटिन पाउडर के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जिलेटिन पाउडर क्या है, इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए और इसको किस तरीके से ये फ़ायदेमंद है या फिर जिलेटिन पाउडर के क्या नुकसान है, वो सारा कुछ आपको आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को पता होगा जिलेटिन पाउडर क्या है, लेकिन कुछ लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि जिलेटिन पाउडर क्या है, जिलेटिन पाउडर किस तरीके से बनाया जाता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन जब इसके बारे में आप जानेंगे तो शायद आप इसको लगाना पसंद भी ना करें। लेकिन जिलेटिन पाउडर अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए और स्पेशली फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए जिलेटिन पाउडर का यूज़ किया जाता है। तो मैंने भी जिलेटिन पाउडर मंगाया कुछ टाइम पहले मैंने मंगाया था, तो सोचा कि इसका रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, ये है जिलेटिन पाउडर जो मैंने मंगाया था त्वचा वर्ल्ड ब्रांड से, और इसका प्राइस 249 रुपीज़ है, जो कि 150-170 के आसपास में मुझे मिला। और इसके साथ दो गिफ्ट मिले, वो ये देख लीजिए, 100 ग्राम का मुल्तानी मिट्टी का पैक मिला और एक थो ब्रश मिला जिससे इसको अप्लाई करना है। और जिलेटिन पाउडर किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो भी आप लोगों को बता रही हूँ, तो पूरा फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। ज़्यादा अच्छा मुझे लगा इसका ब्रश जो मिला है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्रश है, एकदम सॉफ्ट है। मुझे इस तरीके का ब्रश भी नहीं था मेरे पास, मुझे इस तरीके का ब्रश भी लेना ही था तो यही मैंने लिया। और इसके साथ फ्री गिफ्ट मिला मुल्तानी मिट्टी और ये ब्रश, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई मैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये है जिलेटिन पाउडर जो कि मैंने त्वचा वर्ल्ड्स ब्रांड से लिया और फ्लिपकार्ट से, तो मुझे दो फ्री गिफ्ट्स भी मिले हैं, मुल्तानी मिट्टी और ये ब्रश जिसे अप्लाई करना है। इसकी MRP है 249 रुपीज़, जो कि डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा 180-170 के जैसे मैंने लिया। और सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि जिलेटिन पाउडर क्या है। फ्रेंड्स, जिलेटिन पाउडर जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो कुछ अजीब सा लगता है कि ये जानवरों की हड्डी मांस और चूसी से निकले कोलेजोन से बनाया जाता है। जिलेटिन को अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, बालों के लिए, स्किन के लिए और भी कई प्रकार से हेल्थ के लिए भी यूज़ होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानवरों की हड्डी या फिर उसके स्किन से बनाया जाता है, तो वेज जिलेटिन भी आता है, तो उसके बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है। और ये जो जिलेटिन है इसका यूज़ किया जाता है स्पेशली फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए, और इसको अप्लाई करने के लिए ये जो ब्रश हमें फ्री में मिला है इसी के साथ। जिलेटिन फ्लेवर रहित हाई प्रोटीन पाउडर होते हैं, जो कि ये अपनी जेली जो है वो उसको बनाने में मदद करता है, जैसे कोई लिक्विड है उसको ये गाढ़ा करने में मदद करता है, साथ ही साथ पील ऑफ करने में भी आसानी होती है। तो इसके साथ एक थो ये कागज़ भी मिला है जिसमें बताया गया है किस तरीके से यूज़ करना है जिलेटिन पाउडर को, और साथ ही साथ सावधानियां भी बताई गई है कि इसको लगाने के बाद किन किन सावधानियों को आपको करना है, कि अगर आपके स्किन को ये सूट नहीं करता है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से दिखता है, कुछ खुरदुरा सा आप देख पा रहे होंगे, चीनी के जैसा, नमक के जैसा कह सकते हैं। ये है जिलेटिन पाउडर जिसको गर्म करके लगाया जाता है, यानी कि जो भी आप यूज़ कर रहे हैं रेमेडी, तो सबसे पहले वो लिक्विड रेमेडी आप लीजिए और उसमें थोड़ा सा जिलेटिन पाउडर मिला लीजिए, लगभग 1-2 चम्मच के आसपास। उसके बाद इसको डबल बॉयलर प्रोसेस की प्रक्रिया से गर्म करेंगे और 1-2 मिनट के लिए इसको गर्म करना है। जब ये लिक्विड गाढ़ा होने लगता है, पील ऑफ जैसा हो जाता है, जैसा पील ऑफ मास्क आपने देखा होगा उस तरीके से, तब इसको हल्का जब ठंडा होता है उसके बाद अपने स्किन पे अप्लाई करना होता है। तो इस तरीके से जिलेटिन पाउडर का यूज़ होता है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ पील ऑफ मास्क वाला वीडियो भी शेयर किया हुआ है, फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए मैंने जिलेटिन पाउडर का यूज़ किया हुआ था। और जब इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो हल्का सा जो है वो स्किन पे जो फेशियल हेयर निकलते हैं तो हल्का सा पेन होता है, लेकिन आप दूसरी तीसरी बार अगर यूज़ करें तो उतना भी पेन नहीं होता है, नॉर्मली जैसा आप पील ऑफ मास्क लगाते हैं उसी तरीके से। और ये स्किन पे ग्लो भी लाता है, चमक बढ़ाता है, रिंकल्स, फाइन लाइंस को ख़त्म करता है, फेशियल हेयर को
कम करता है और धीरे धीरे से फेशियल हेयर एकदम से गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके से डबल बॉयलर सिस्टम से इसको गर्म किया जाता है। और आप लोगों ने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, उसका लिंक मैं दे दूंगी आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा। तो जिलेटिंग पाउडर स्पेशली फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और हेल्थ के लिए भी यूज़ किया जाता है, वज़न को घटाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेकिन उसमें कोई और जिलेटिंग पाउडर यूज़ मतलब होता होगा उतना नहीं मालूम हमको, लेकिन ये जो जिलेटिन पाउडर जो हमारे फेस के लिए आता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अगर आपको भी लेना हो तो ये इसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ एक ब्रश भी मिलेगा आपको और मुल्तानी मिट्टी भी मिलेगा। तो इस तरीके से जिलेटिन पाउडर को लगाने से पहले हल्का सा टेस्ट ज़रूर कर ले कि ये ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अगर ज़्यादा गर्म हो तो आप थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, फिर अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। आप अपने हाथों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये झुर्रियों को कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। स्किन पर इंस्टेंटली ग्लो लाता है और स्किन को टाइट बनाता है। और इस तरीके से पूरे फेस पे लगा लेने के बाद 20 मिनट के लिए रुकना होता है, 20-30 मिनट के लिए। जब ये सूख जाता है तो इसको पील ऑफ करना है यानी कि निकालना है। उसके बाद आप ठंडे पानी से स्किन को धो सकते हैं। अगर ज़्यादा जल रहा होगा आपकी स्किन तो आप आइस भी लगा सकते हैं। अगर आप लगा रहे हैं, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और इचिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप बीच में भी इसको रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको गर्म पानी लेना है, उसमें कोई टॉवल भिगो करके उसको हल्का सा सेक करके आप निकाल सकते हैं ऐसे ही बिना पील ऑफ के। तो जो फर्स्ट टाइम लगाएंगे तो हल्का सा पेन ज़रूर होगा, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम फिर पेन नहीं होते उतना। तो फेशियल हेयर को बहुत ही तेज़ी से कम करता है। तो सबसे पहले जब आप लगाते हैं तो आप इसको हफ्ते में 2 बार लगाइए, उसके बाद फिर हफ्ते में 1 बार लगाइए, फिर आप 2 हफ्ते पे, फिर आप मंथ में 1 बार, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। जिलेटिंग पाउडर को आप कोई भी डे वे के साथ भी मिक्स करके लगा सकते हैं, और आप चाहे तो कोई फ्रूट्स का जूस या जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था इससे पहले वाले वीडियो में, मुल्तानी मिट्टी में भी ऐड करके, चारकोल पाउडर में ऐड करके, इस तरीके से आप जिलेटिन पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ऐसे तरीके हैं, और उसमें जो कागज़ दिया गया रहता है उसमें बताया गया भी है किस तरीके से यूज़ भी करना है, सारा कुछ दिया गया है। तो इस तरीके से मैंने अपने हैंड्स पे भी लगा लिया था, और जो स्किन पे झुर्रियाँ पड़ जाती है हाथों पे भी बहुत ही ज़्यादा जो डार्कनेस होता है उसको भी कम करता है ये, और स्किन के जो हेयर हैं फेशियल हेयर उसको कम करने में मदद करता है। इस तरीके से जब इसको रिमूव करते हैं तो ठंडे पानी से आप टैप टैप करके पोंछ सकते हैं अपने फेस पे। उसके बाद टोनर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। अगर आप धूप में निकले तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, और चेहरे के साथ साथ हाथ भी ऐसे चमक रहे हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ ये वाला वीडियो शेयर किया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा कि अनचाहे बालों को किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं हमेशा के लिए, अपने फेशियल हेयर को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। मैं तो इससे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी ख़त्म हो जाते हैं जीगा। और हमारे चैनल पे एक गिव अवे भी चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।